नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फूडी द ढाबा चैनल। आज हम वेस्टर्न स्टाइल में पनीर लबाबदार बनाएंगे, जिसको हम नान, तंदूरी रोटी और राइस के साथ खा सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, ग्रेवी काफ़ी इसकी लटपटी होती है और क्रीमी भी होती है। चलिए अब हम पनीर लबाबदार बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और पनीर के स्क्वायर्स को यानी पीसेस को मैंने उसमें डाल दिया और उस पर आधी छोटी छोटी चम्मच हल्दी और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि कश्मीरी मैंने ली है वो ऐड कर दिया है। उसके अंदर से फ्राई करूँगी। जैसा कि पनीर पानी छोड़ता है तो पानी सूखने के लिए मैं उसको तब तक फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे पनीर फ्राई हो गई है, मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं। तो इसको अब मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। पनीर का वेट यहाँ पे 500 ग्राम मैंने लिया, जिसमें कि 30 से 35 ग्राम के अप्रॉक्स मैंने पनीर अलग रख दिया फॉर दिस डेकोरेशन। तो अब मसाले बनाने के लिए मैंने उसी पैन को लिया है, उसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला, साथ में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 इंच दालचीनी, 3 से 4 हरी इलायची और 2 से 3 हरी मिर्च चॉप करके डाला। उसके बाद मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके डाले हैं और इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया। दो बेलीफ मैंने डाला है और साथ में मैंने 2-8 से 10 लहसुन की कलियां डालकर 1 मिनट तक पकाया है। फ्लेम मेरी मीडियम टू लो रह रही है और कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाला, साथ में मैंने फ्रेश धनिया पत्ता के डंठल को 2 से 3 बड़े चम्मच चॉप करके डाला है। उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया है। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए और अच्छे से पक जाए तो मैं इसमें 20 पीसेस काजू के डालूंगी और साथ में मैं इसमें खरबूजे के बीज 3 बड़े चम्मच डालकर पकाऊंगी। 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें मैंने 3 मीडियम साइज के टोमेटो पीसेस में कट करके डाले हैं और मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे मैंने मिक्स किया है। टमाटर पकने के लिए और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है और इसे 3 से 4 मिनट पकाने के लिए ढककर पकाया है और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टमाटर अच्छे से पक गई है, मसाले भी मिक्स हो गए हैं। तो इस समय मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, साथ में मैं इस मसाले को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस समय मैंने यहाँ पे मसाले जो मैंने फ्राई किए थे मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसे ठंडा करके मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड करूंगी, जो कि ग्राइंड करने में इसे आसानी हो। पनीर लबाबदार की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने क्ले पॉट लिया है। क्ले पॉट को मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम करके मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया, साथ में मैंने इसे जीरा डाला, जीरा के 1 चम्मच जीरा डाला है मैंने। जीरा के चटकने के बाद इसमें मैंने 2 हरी मिर्च चॉप करके डाला है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है आप, क्योंकि क्ले पॉट ज़्यादा गर्म होती है तो खाने की जल जाने की पॉसिबिलिटीज हाई हो जाती है। तो मैंने इसमें यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके डाला है और साथ में 2 मिनट तक पकाया है। प्याज हमारी ट्रांसलूसेंट हो गई है, 2 मिनट का समय मैंने दिया इसे पकने के लिए। तो इस टाइम पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच और इसके बाद इसे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। फ्लेम हमारी अभी मीडियम है। अब इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी और अच्छे से पकाऊंगी। जब मसाला अच्छे से पक जाए तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च जो कि मैंने सीड्स इसके रिमूव कर दिए हैं उसको ऐड किया। हालांकि रेस्टोरेंट्स और कई घरों में या होटल्स में प्याज और शिमला मिर्च बड़े बड़े शेप में कट करके डालते हैं, बड़े बड़े करके डालते हैं, बट मैं यहाँ पे चॉप करके डाल रही हूँ क्योंकि ये पनीर के साथ अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टमाटर जो कि सीड को रिमूव करके चॉप करके डाला है, साथ में मैंने नमक डाल दिया और ढक दिया इसलिए कि मसाले अच्छे से पक जाए।
और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन को रिमूव करके इसको मैं पका रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मसाले, टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक गई। मसाले अब पक गए तो इसमें ग्रेवी डाला है, जो मैंने काजू के मसाले बनाए थे उनको इसमें स्ट्रेनर की हेल्प से छान कर डाल लिया। इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और मैंने सेम ग्राइंडर जार में पानी डाला है जिसे मैंने मसाले ग्राइंड किए थे। अब काजू की ग्रेवी अच्छे से स्ट्रेन हो गई है तो मसाले मिलाएंगे। मसाला अच्छे से मिल गया है तो अब हम इसमें बटर 2 टेबलस्पून डालेंगे, फिर मिलाएंगे। वैसे तो ग्रेवी काफी अच्छी लग रही, टेस्टी लग रही, बट थोड़ा और आंखों से खाया जाए इसमें मैंने फूड कलर मिलाया है। इसमें गरम मसाला 1 चम्मच, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और अगर ध्यान ना हो तो थोड़ा टेस्ट करके डालेंगे जिससे कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। शुगर 1 चम्मच, इसमें ग्रेवी थोड़ी मिठास मिल जाएगी और पनीर लबाबदार की ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देने में हेल्प करेगी। अब मसालों को 1 से 2 मिनट ढककर पकाएंगे। अब 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मसाले अच्छे से पक गए हैं। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं तो इसमें मैं फ्राइड पनीर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं ग्रेवी हमारी काफ़ी अच्छी बनी है, तो मैंने फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। अब पनीर को ग्रेवी के साथ पकने के लिए 3 से 4 मिनट तक का समय दूंगी। मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। अब पनीर लबाबदार बनकर रेडी हो गई है तो इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। समय बचाने के लिए हम ग्रेवी को पहले से बनाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने इसमें बचे पनीर को ग्रेट करके डाला है, फिर क्रीम और फ्रेश धनिया पत्ती से गार्निश किया है। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैंने ग्रेटर की सहायता से पनीर को ग्रेट किया है। इसमें मैंने रोगन देने के लिए मैंने रोगन ऑयल से सजाया है। तो बन गई हमारी पनीर लबाबदार। आप भी इसे घर पर बनाएं और इंजॉय करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करें और बताएं कि कैसी लगी ये वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। It will help me a lot to grow and motivate. Thank you so much for giving me your precious time.